स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। आज हम लोग सिंपल सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बार हम लोग सीख पाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि ऐसे सेंटेंस कैसे बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, भारतीय किसान धनी नहीं है। तो भारतीय किसान धनी नहीं है, यहाँ इंडियन फार्मर्स की बात हो रही है, पूरे भारत के किसान की। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंडियन, ठीक है, भारतीय यानी इंडियन, इंडिया यानी भारत, इंडियन यानी भारतीय किसान। यहाँ सिर्फ हम लोग प्लूरल नहीं, इसको सॉरी प्लूरल लिखेंगे, ठीक है, फार्मर नहीं, फार्मर्स, क्योंकि भारतीय किसानों की बात हो रही है, तो इंडियन फार्मर्स। जब हम सब्जेक्ट प्लूरल करते हैं तो इसके साथ आर का यूज करेंगे, इंडियन फार्मर्स आर। नोट, नोट का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि धनी नहीं है, तो नहीं यानी नोट, और धनी के लिए हम लोग लिखेंगे रिच, रिच, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, यानी भारतीय किसान धनी नहीं है, ये एक ट्रांसलेशन है, कोई ऑफेंड ना हो जाए, ठीक है। मदन और गणेश, तो यहाँ मदन नाम लिखा गया, मदन का, फिर लिखा गया और के लिए एंड, गणेश, मदन और गणेश, यानी मदन एंड गणेश, दो नाम है तो आर का यूज करेंगे, एक नाम होता तो ईज लिखते, लेकिन आर, दो नाम है यानी प्लूरल हो गया, ठीक है। नोट यानी नहीं, फुर्तीले यानी निम्बल, तो मदन एंड गणेश आर नोट निम्बल, यानी मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्त्री, यानी कि कहने का अर्थ है कि हमें यूज करना है सी का, ये एक औरत की बात हो रही है, तो वह प्रसन्न नहीं है। अगर कोई लड़का की बात होता, यह ना होता तो ही भी लिख सकते थे, ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन सी, यहाँ लड़की की बात हो रही है, औरत की, तो सी, ठीक है। ये ओमेन का कहने का अर्थ है कि सी का यूज हम लोग ओमेन के लिए यानी फीमेल्स के लिए करते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग समझेंगे इसे, सी ओमेन, ठीक है, इज नॉट हैप्पी, यानी कि वह प्रसन्न नहीं है, वह खुश नहीं है, हैप्पी का अर्थ खुश भी होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग वह खुश नहीं है। नेक्स्ट, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं, यानी हम लोग लिखेंगे आई एम नॉट अ सर्वेंट, यानी मैं नौकर नहीं हूँ, कहने की बात है कि मैं नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सर्वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग, अब बात हम लोगों की हो रही है, तो हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, हम लोग को हम लोग लिखेंगे वी, ठीक है, वी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं वी, तो क्या होगा इसका सेंटेंस, वी यानी हम लोग, आर का यूज करेंगे, नोट लीडर, लीडर यानी नेता, तो लीडर्स एस लगाएंगे, वी आर नॉट लीडर्स, हम लोग नेता नहीं हैं। तुम किसान नहीं हो, तुम यानी यू, यू यानी तुम, आर नॉट फार्मर्स, तुम लोग या तुम किसान नहीं हो, तो ऐसे लिखेंगे यू आर नॉट फार्मर्स। आप चोर नहीं हैं, आप यानी यू आर नॉट थीफ्स, आप लोग चोर नहीं हैं, ऐसे लिखेंगे यू आर नॉट थीफ, ऐसे हम लोग बोल लेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग के लिए होगा ये थीफ्स। आप लोग शिक्षक, शिक्षक यानी टीचर नहीं हैं, तो आप लोग यानी यू, तुम, आप या आप लोग या तुम लोग के लिए यू का ही यूज करते हैं हम लोग, यू, यू आर नॉट टीचर्स, यानी कि आप लोग शिक्षक नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह नर्स नहीं है, वह, तो वह यानी कि वह नर्स है, तो नर्स की बात है तो लड़की होगी, तो सी का यूज करेंगे, सी इज नॉट अ नर्स, यानी कि वह नर्स नहीं है, सी इज़ नॉट अ नर्स, बहुत सिंपल सेंटेंस है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह छात्र नहीं है, छात्र को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नहीं है, यानी कि सी इज नॉट अ स्टूडेंट, हम लोग यहाँ बताया नहीं गया कि लड़की की बात हो रही है लड़की की, तो हम लोग यहाँ ही भी लिख देंगे, अगर लड़का होगा कोई तो, ठीक है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट या सी इज नॉट अ स्टूडेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, लता डॉक्टर नहीं है, अब लता की बात हो रही है तो लता
यानी लता इज नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर यानी चिकित्सक। ठीक है, नेक्स्ट, वे लोग अभियंता नहीं हैं, वे लोग। अब वे लोगों की बात हो रही है तो हम लोग वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, तो दे आर नोट अभियंता यानी इंजीनियर, तो इंजीनियर्स। वे लोग अभियंता नहीं है, बहुत सारे लोग हैं तो दे आर नोट इंजीनियर्स। हाँ, नेक्स्ट, विजय और मोहन गायक नहीं हैं, विजय और मोहन। तो विजय और मोहन की बात हो रही है तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे, विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स, ऐसे हम लोग बोलेंगे। विजय और मोहन गायक नहीं है, तो विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स, दो नाम है तो आर का यूज करेंगे। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, मेरे पिताजी यानी कि माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट, मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, मेरे शिक्षक गण यानी कि माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स, मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। अब समझते हैं कि इज एम आर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं और कैसे। ठीक है, जब भी हम लोग यूज करेंगे आई का, तो आई अगर सब्जेक्ट के रूप में हो जैसे कि मैं, तो एम का यूज करना है उसके साथ, आई आई के साथ ही एम का यूज होगा, ऐसे एम का यूज नहीं होता है किसी के साथ। अगर हम लोग हैं, तुम लोग हो, आप लोग हैं, आप लोग हैं, वे लोग हैं, या तो इस प्रकार से जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सॉरी प्लूरल हो या सेकेंड पर्सन हो, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं आई सॉरी आई यू वी एंड दे, यू वी दे, इन सब के साथ आर का यूज करते हैं, ए आर ई आर। लेकिन जब बात हो वह मदन मोहन एक नाम हो अगर, तो ही सी इट, या कोई एक नाम हो राम, तो हम लोग सिंपल यूज करते हैं इज का, आई एस इज। ठीक है, अगर राम के साथ दो नाम हो गए, एंड लगाकर जोड़ दिया गया, राम एंड श्याम, तो क्या करेंगे, तो ये दो नाम हो गए तो ये प्लूरल हो गए, तो यहाँ हम लोग आर का यूज करेंगे। अगर एक नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंसेस अच्छे लगते हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रंका इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।